तो हाय सोनाली जी, हाउ आर यू? हाय सचिन जी, आई एम फाइन, आप बताइए। ओके, आई एम आल्सो फाइन। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सोनाली जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अपना बैकग्राउंड आप थोड़ा से डिस्कस कीजिए। सचिन जी, मैं लखनऊ से हूँ और बैकग्राउंड ये है कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी है, मैं कुछ उसका भी देखती हूँ, लेकिन हाँ बेसिकली हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को देखना करना। हाँ ओके, एंड आप मैग्नम से कैसे जुड़े मैम? मैग्नम से मेरी एक फ्रेंड है, उनके थ्रू मुझे पता चला था। एक्चुअली मैंने एक कोर्स किसी के यहाँ किया था, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी उस कोर्स को करने में। ओके, तो इसलिए मैंने फिर वो कोर्स मतलब किया, तो पूरा मेरे पैसे भी वेस्ट हुए। इनफैक्ट वेस्ट क्यों हुए, मतलब मैंने किया लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिला। ओके, लेकिन फिर किसी ने बताया, किसी फ्रेंड ने बताया ये मैग्नम के बारे में जी। तो मैंने जब इनकी ट्रायल क्लास ली तो मुझे काफी समझ में आया, मुझे लगा कि हाँ ये करने के बाद शायद मैं कर पाऊंगी। ओके, एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मैग्नम यू लाइक द मोस्ट मैम? सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको मैग्नम के बारे में? प्रभजोत मैम, प्रभजोत मैम, आई एम इन लव विद हर। ओके, सो टीचिंग स्टाइल की बात करें प्रभजोत मैम की, तो उनको हमेशा 100/100 ही मिलता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का रिव्यू आज तक रहा है, she deserves it, she totally deserves it. Thank you, thank you. तो अभी आपके साथ, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी या हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं मैम की है जो उनको बाकी ट्रेनर्स से अलग करती है? सचिन जी, बेसिकली एक तो उनकी जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, क्लियर करने का स्टाइल, और एक एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाना जी। कि शायद क्योंकि क्या होता है ना, सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी को एक्सेल स्टार्ट भी करना ना आता हो जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम बेझड़क होके कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं, एंड शी इज रेडी टू आंसर एनीथिंग। कभी कहीं कभी ये नहीं लगा कि गुस्सा हो रही हूँ या कभी एटीट्यूड दिखा रही हूँ, और कोई भी चीज एक बड़ा, एक जो हम लोग का एक वो हो जाता है, रिलेशनशिप जो बिल्ड हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है कि ऐसा हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। एंड जो पेशेंस लेवल है वो तो उनका नेक्स्ट लेवल है, वो तो बहुत अच्छे से, बेसिकली उनका जो पेशेंस और जो पढ़ाने का स्टाइल है, एक एक कॉन्सेप्ट वो क्लियर करती है। मैम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज की डेट में, जो लोकलाइट्स की प्रॉब्लम है या हमारी जो ऑडियंस की प्रॉब्लम आती है, इंक्वायरीज आती है, कि ऑनलाइन रह के ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आप लखनऊ से ही बिलोंग करती हैं, एंड आई थिंक आपने कभी भी कोई भी लाइव क्लास ऑफलाइन आके नहीं ली है, आपने सारी क्लासेस मैम की ऑनलाइन लाइव घर पे रह के की है। तो कभी आपको ऐसा लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो कि आपके डाउट्स नहीं क्लियर हुए, या क्लास में कोई प्रॉब्लम आई हो, मैम ने आपके लाइव क्लासेस में कोई डाउट्स छोड़े हों, या आपको ऐसा कुछ लगता है कि ऑनलाइन लाइव रह के या ऑनलाइन ऑफलाइन रह के कोई डिफरेंस है ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव में? नहीं सचिन जी, देखिए सच्ची बताऊं तो मेरा 100% मन यही था कि मैं ऑफलाइन ही करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन किया था तो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मुझे 100% श्योर कि मैं ऑफलाइन करूंगी। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो प्रभजोत मैम की टीचिंग है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो टाइम है जाने का वो बचता है, और शायद मैं ऑफलाइन क्लास करती तो मैं उतनी अटेंटिव और उतनी क्लास नहीं कर पाती जितनी मैंने ऑनलाइन करी है, और बैकअप भी बहुत अच्छे से मिल जाता है इनकेस हमारी क्लास छूट जाती है कोई प्रॉब्लम। भाई ऑब्वियसली 3 months 4 months की ड्यूरेशन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्लासेज भी मिल जाती हैं। एंड कुछ इस वाली क्लास में मैग्नम में तो देर इज नो डिफरेंस, मतलब इट्स बेटर टू अटेंड ऑनलाइन, क्योंकि सब समझ में वैसे ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Same, exact same. और एक मैम सबसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो वर्कहॉलिक्स हैं या जो ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बताया कि आपका भी घर पे आपका बिजनेस है एंड आप घर और बिजनेस दोनों हैंडल करती हैं, और लोगों के साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है कि हाँ टाइम नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम है, या हाउस वाइफ हूँ तो घर पे रह के काम नहीं कर सकती, या वर्किंग पर्सन हूँ तो नहीं कर सकता, आपको कभी ऐसा लगा हुआ कि आपका वर्क मैग्नम की क्लासेस की वजह से अफेक्ट हुआ हो, या ड्यू टू वर्क आपकी कोई क्लासेस अफेक्ट हुई हो? सी, थोड़ा तो देखिए ऑब्वियसली एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज क्लासेस करनी हो और आप डेडिकेशन है अगर उस चीज को लेके, एंड यू रियली वांट टू डू इट, तो थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनकेस, भाई मैंने कहा ना कि इनकेस कभी हमें लगता है कि नहीं बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से हम क्लास नहीं कर पाएंगे, तो हमें बैकअप क्लासेस मिल जाती हैं।
हाँ आराम से, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम लोग मैम से पूछ लेते हैं कि मैम ये नहीं समझ में, तो मैम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम यही है मेरा कि ट्रेनर सपोर्ट जो आज की डेट में इंडिया में कोई नहीं दे रहा है, जो कि मैगनम पिछले 11 साल से दे रहा है, और ये हमारा कमिटमेंट भी था एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कि जो सबसे प्लस पॉइंट है हमारे इंस्टीट्यूट का, जो ट्रेनर सपोर्ट है, जो 24/7 अवेलेबिलिटी, हम बोलते हैं कि आपको कभी भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट ट्रेनर को अप्रोच करते हैं, यहाँ पे आपको कोई असिस्टेंट या ईमेल आईडी पे अपने डाउट्स फॉरवर्ड नहीं करने, डायरेक्ट जो आपको पढ़ा रहा है वही आपके डाउट असिस्ट करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही वो समझ सकता है कि डाउट्स क्या आएंगे जो एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हो। तो ट्रेनर सपोर्ट आपको कैसा लगता है, ट्रेनर बैकग्राउंड से आपको? नहीं, इनफैक्ट इसका तो मैं अनामिका को ही बोलूंगी कि जब भी मैंने उसको फोन किया है अबाउट द क्लासेस कुछ भी, तो कभी भी आई डिडंट हर्ड कि नहीं हो नहीं पाएगा, ये क्लासेस हो चुकी हैं या कभी ये, क्योंकि क्या होता है ना जब हम फीस भर देते हैं जनरली ऐसा होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच आना शुरू हो जाता है एंड थोड़ा सा लेट बैक भी हो जाते हैं ट्रेनर्स, लेकिन यहाँ के फर्स्ट नंबर तो प्रभजोत मैम है ही हैं, अनामिका जी भी बहुत बहुत ही अच्छी है, मतलब उनको जब भी मैंने कॉल किया है वो मिला है, और आप भी हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो यू आर ऑल्सो ऑलवेज देयर। तो नहीं, ट्रेनर सपोर्ट तो भाई 100 and 100 है, उसमें तो कोई ड्राइवर। तो अब लास्ट क्वेश्चन मैम, उन लोगों के लिए अब आपको एक मैसेज देना है जो, देखिए जो लोग आज की डेट में समझते हैं कि एक ट्रेडिंग आज की डेट में बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले होते हो, तो ट्रेडिंग कहीं से भी कर लेना जस्ट बिकॉज कि मेरे घर के पास ये इंस्टीट्यूट है इसलिए मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग कहीं से भी ले लेना इज ओके, या यूट्यूब से लोग आज की डेट में कोर्सेज करने के बाद कितने लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो एज पर योर विजन आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग कहीं से भी कर लेना इज ओके, या एक ऐसी वेल डिग्निफाइड जगह से करना इज इम्पॉर्टेंट कि जहां से आपको रिटर्न में वो सारी चीजें मिले, जितना आपने इन्वेस्ट फीस में किया है उसका डबल ट्रिपल आपको रिटर्न में मिले, आपके प्रॉफिट्स हो, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग आप कुछ कहना चाहोगे उसके अकॉर्डिंगली, जो लोग कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज की पास में है इसलिए कर लेता हूँ? नहीं, मैं तो इसकी बिगेस्ट एग्जांपल हूँ, मैंने तो एक बहुत अच्छे उनसे किया है एंड मैंने बताया भी था, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, लेकिन प्रभजोत मैम को मैंने बताया था, तो वही होता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब आप यूट्यूब या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख के करते हो तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का स्टाइल और जो चीज़ें होती हैं बहुत डिफरेंट होती है, वो बहुत ऊपर ऊपर से करते हैं एंड, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा मे बी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा पड़े या जो भी पड़े, लेकिन मुझे लगता है अच्छे से एक जगह जहाँ पे अच्छे से, जहाँ पे स्पेशली मैगनम का मैं ज़रूर बोलूँगी कि जहाँ अच्छे से आपको सब चीज़ें मिल रही हो ना, पढ़ाई भी, टेक्निकल सपोर्ट भी, एवरीथिंग, तो वहाँ से करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लाइफ टाइम का ये रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है कि मुझे पता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैगनम इज देयर। एग्जैक्टली, तो ये चीज, ये सपोर्ट फिर आपको यूट्यूब से भी नहीं मिलेगा, ये सपोर्ट आपको किसी इन्फ्लुएंसर से भी नहीं मिलेगा, वही होता है ईमेल आईडी पे छोड़िए, ईमेल पे जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस इज नहीं समझ में आता है, तो नहीं, अच्छे से एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे एक्चुअली में अच्छे से पढ़ाई होती है वहीं से ही करना चाहिए। तो आजकल यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट बहुत वो हो गया, अब वो तो बता रहे थे कि हमें एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारी चीजें लगती है एंट्री करने में और एग्जिट करने में, तो वो जो वो सारी कॉन्सेप्ट वो नहीं क्लियर होते हैं। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर स्पेशल टाइम, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो उन हाउसवाइफ के लिए और उन वर्किंग वूमेंस के लिए जो जिनके पास ये एक्सक्यूजेस रहते हैं कि टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं सीख सकती, एंड यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, यू आर मैनेजिंग एक्चुअली, आप बिजनेस और घर से देख ही रहे हो, साथ ही साथ आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, क्वाइट अटेंटिव ऑन क्लासेस ऑल्सो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।